बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ के शास्त्री नगर स्थित ग्रवित फाइनेंस कंपनी में हथियारों के बल पर लूटपाट करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश कर दिया है। डकैती की इस घटना में शामिल 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 5वां बदमाश अमित अभी फरार है। अमित ने रेकी की थी और वह बाइक लेकर बाहर खड़ा हुआ था। आज पुलिस ने इन सभी बदमाशों को मीडिया के सामने पेश किया। गिरफ्तार किए गए बदमाशों में विकास व प्रदीप ग्राम नरहेड़ा, मनीष ग्राम बेहटा गाजियाबाद व गुलफाम व पहलवान अशोक विहार गाजियाबाद शामिल हैं। इस बारे में आज नगर पुलिस अधीक्षक नित भटनागर ने यह जानकारी दी। देखिए, ये गर्वित फाइनेंस कंपनी है शास्त्री नगर में और ये दिन दहाड़े काफ़ी डेयरिंग घटना इन्होंने करी थी। इसका खुलासा लगभग 10 दिन के भीतर शास्त्री नगर इसमें थाना मेडिकल पुलिस और क्राइम ब्रांच दोनों के संयुक्त प्रयास से हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये घटना कुछ इस प्रकार थी कि फाइनेंस कंपनी में जहाँ पर काफ़ी पैसा होने की संभावना थी, उस सूचना पर कुछ लोग वहाँ पर गए थे और उन्होंने वहाँ पर उनके मोबाइल फ़ोन्स, उनकी घड़ी, उनके अंगूठी और कैश उनसे जो है लिया था। इसके अलावा जाते समय जो पावर सप्लाई को यूपी वहाँ का उसका सीसीटीवी का पार्ट समझ करके उसको भी ले गए थे। तो घटना में प्रयुक्त दोनों मोटरसाइकिलें ये बरामद हुई हैं। जो 4 व्यक्ति घटना में थे वो चारों बरामद हुए हैं, चारों गिरफ्तार हुए हैं। एक जो 5वां व्यक्ति जो घटना से पहले रेकी करने के लिए आया था और जिसने मुखबिरी करी थी इस चीज़ की कि इस जगह पैसा हो सकता है, वो अभी हमारी पकड़ से दूर है, जल्दी हम उसको भी पकड़ लेंगे। तो इसमें बरामदगी हुई है, गिरफ्तारी हुई है। घटना में जो मोटरसाइकिलें प्रयुक्त थी वो हुई बरामद हुई हैं। इसके साथ साथ जो हेलमेट लेकर के वहाँ पे आए थे या जो पावर सप्लाई लेके गए थे, अंगूठी और मोबाइल फ़ोन, इन सभी की बरामदगी हुई है। इस प्रकार हमने एक गैंग, हाँ, इनका आपराधिक इतिहास है, उसको बारे में और गहराई से प्रयास किया जा रहा है जानने का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि घटना जो है डकैती में इसको तरमीम भी किया गया है और हम कोशिश हमारी रहेगी कि ये कठोर से कठोर इनको दंड मिले और इनके विरुद्ध जो भी साक्ष्य है वो संकलित करके हम इनके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई करेंगे। देखिए, मास्टरमाइंड किसी एक व्यक्ति को कहना संभव नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक अमित नाम का व्यक्ति है जो घटना से 3 दिन पहले आकर के उसने जगह को देखा था, एक मोबाइल फाइनेंस कराया था उसने और उसके बाद में इन लोगों को बताया था, तो उसको भी मास्टरमाइंड कह सकते हैं। वही अभी हमारी पकड़ में नहीं आया, घटना के दिन भी वो शामिल रहा है, जल्दी जल्दी उसको भी गिरफ्तार। मैं आपको बताया आपराधिक इतिहास है इनका, लेकिन चूंकि बहुत जल्दी कोर्ट के सामने हमको प्रस्तुत करना होता है 24 घंटे के भीतर, आपराधिक इतिहास की जानकारी करी जा रही है। 2 व्यक्ति इसमें लोनी क्षेत्र के रहने वाले हैं और 2 व्यक्ति थाना खरखोदा के नरेड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।